पैसा इसमें बहुत लगाया, मर सही नहीं हुआ, यहाँ हुआ गया, मरा गया। हाँ जी, ये मरा हुआ आदमी को जिंदा जिंदा भी कर देता है, कुछ भी नहीं पता है, हाथ में डब्बा लेके बाबा से भी जान लेते हैं। क्या बाबा, क्या जानते हैं इसके बारे में? कुछ भी नहीं जानते, हाथ में डब्बा है जी आपके। नमस्कार, मैं MD समसे और आप देख रहे हैं इंसाफ 24। आप हमारे पीछे पब्लिक जमा है, दिमाग लगा रहे होंगे कि ये मेला चल रहा है, ये कोई मेला नहीं। यहाँ पे एक बोल सकते हैं पंडित आई हुई है, जो मरे हुए व्यक्ति को पता चला है कि वो जिंदा कर देती है। कितना हकीकत है, कितना सच है, ये जानने के लिए हम उपस्थित हैं तेलिया घाट पटनिया गांव में। यहाँ के ग्रामीणों से हम जानेंगे कि क्या यहाँ पे चल रहा है। बस यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे मरे हुए को भी जिंदा किया जाता है। आइए, कितना सच है, कितना क्या है, मैं जानने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ उपस्थित जो भी जनता है, मैं उनसे बातें करूँगा लगातार। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम पासवान। यहाँ पे क्या चल रहा है? नहीं जानते हैं। क्या हुआ जी, क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव, क्या चल रहा है यहाँ पे? प्रोग्राम चल रहा है। क्या प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम है ये? अभी मैं भी पहले बार आया हूँ, देख रहा हूँ। आपको पता नहीं है? नहीं। चलिए, इनमें पता नहीं है, क्या आपको पता है? हम अभी अभी किए, हमको क्या मालूम। कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, क्या चल रहा है? नहीं पता क्या चल रहा है बाबा, ये क्या है? ये भलाई हो रहा है। क्या, किस तरह का भलाई? दही दूध का। दही दूध का? हाँ। क्या मतलब, ये लेडीज लोग उपस्थित है, क्या कर रही है ये लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये भलाई हो रहा है, और क्या हो रहा है? क्या हो मतलब, कुछ बताइएगा इसके बारे में। पैसा इसमें बहुत लगाया, मगर सही नहीं हुआ, यहाँ हुआ गया, मनोर गया, सही हो गया हाथ। आप गए में थे? हाँ, गए मनगढ़ गए थे। तो आपने इस तरह की मतलब, जो पंडित उन्नीत रहता उससे आप मात किए थे क्या? यहाँ तो भीड़ कम है जी, वहाँ भीड़ काफी भीड़ था, वहाँ पे काफी भीड़ था, काफी भीड़ था। आप कब गए थे वहाँ मनगढ़? हो गया 5 हफ्ता गया था, 5 हफ्ता पहले। आपका 5 हफ्ते में, ये देख सकते हैं, ये हमारे अंकल जी बता रहे हैं कि हमारा हाथ नहीं उठ रहा था, और ये 5 हफ्ते में मात्र इनका हाथ तंदुरुस्त और फिट हो गया है। हमें तो लगता है कि ऐसे ऐसे जो बाबा होते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में रहना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो मरे टूटे हुए आदमी आते हैं, उसे भी जिंदा करने की क्षमता इन लोग में है। आइए, क्या हकीकत है और जानते हैं। तो बाबा, आप जो गए थे, तो आपको कैसे पता चला कि मनगढ़ में क्या चल रहा है? हाथ कुछ नहीं रहा था ये। तो मनगढ़ में आपको कैसे पता चला मनगढ़ में क्या है? कुछ इनको बस पिता परेशानी थी, बस मनगढ़ के बारे में कुछ नहीं जानते आप? नहीं। मनगढ़ जो गए थे, तो कोई किसी आपको बताया होगा ना कि आप मनगढ़ जाइए, ठीक हो जाइएगा? हाँ, आदि से बोल रहा था सर। कहा आपने गांव का? हाँ। कहा घर कहाँ हुआ आपका? घर यहीं पर है। कहाँ? लैनपुर घर है। लैनपुर? हाँ। आप लैनपुर से मनगढ़ गए थे, कितना दूरी होगा मनगढ़ का? रखिए ने 150 भाड़ा लगा था। 150 भाड़ा लगा था। चलिए, यहाँ पे कुछ लेडीज है, हम उनसे भी बातें करेंगे। क्या हुआ आंटी जी, बताइएगा क्या चल रहा है यहाँ पे? हम आइए सर, अति पहले दाइबे के लिए। ओ, फर्स्ट मरतबा आए आप? आपको कैसे पता चला? वैसे कल के मनगढ़ में आदमी छे, आए ली। अच्छा, मनगढ़ में? तो पटनिया गांव है ना? हाँ, पटनिया गांव छी। तो कैसे पता चला कि मनगढ़ में? हाँ, मनगढ़ से एलखिन यहाँ पटनिया तब। अच्छा, ऐसी बात है। चलिए, कुछ और लेडीज से हम बातें कर लेते हैं। आइए आइए, इधर आइए, बात करते हैं। क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में आप? जानते हैं क्या, ठीक हो जाएगा, यहाँ ठीक हो जाता है। अच्छा, क्या क्या ठीक हो जाएगा? जो दिक्कत रहता है सब कहता है ठीक। इधर देख के आप बताइए, कहाँ से आए हुए हैं आप? सनहा से आए हैं। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ ज्यादा दूर? ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, आप क्या मतलब, क्या प्रजाद लेके आए हैं, किस तरह की परेशानी है आपके साथ चल रहा है? परेशानी है? चलिए, किसी तरह की परेशानी है ये नहीं शेयर कर सकती। आइए, हम कुछ और से बात कर लेते हैं। क्या बाबा, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? हाँ जी, ये मरा हुआ आदमी को जिंदा करता है जी। क्या बात करते हैं जी? हाँ जी, तब तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो है। सच बात है जी। क्या बात करते हैं, तब तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो DMCHR जो हैगा, तो ऐसा कीजिए, आगे बढ़िए। सही बात है। क्या सच कर रहे हैं? सही बात। अगर हमको सांप काट ले तो क्या वो ठीक कर देगी? नहीं, सांप कटा हुआ नहीं है, लेकिन आदमी हुआ गया हुआ वहाँ, वो आदमी साबित कर रहा है यहाँ। सही बात। हमको बुला ले ऊपर, तो ये जो है यहाँ पे जो उपस्थित है, हमारे कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, वो हमको जिंदा कर सकती है। इतना वही बोल रहा है पब्लिक, तो वही बोल रहा है, पब्लिक वही बोल रही है। अगर कल ले मान लीजिए कि अगर कोई मर रहा तो आगे ठीक कर देगी? आप पता नहीं सर, लेकिन पब्लिक बता रहे हैं, हम तो नहीं। अच्छा, आपको कैसे पता चला? लोग पब्लिक के बोला। क्या बाबा, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं जानते। नहीं जानते हैं, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता आपको? पेन पेन आए के फर्स्ट बार तो आए हैं। चलिए, और कुछ पब्लिक है, हम उनसे भी जान लेते हैं। चलिए, क्या कुछ पता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं बोल सकती ना, लेडीज लोग हैं, बहुत फास्ट होती है, नहीं बोल रहे हैं। अरे चलिए, क्या आंटी जी कुछ बताएंगे इसके बारे में?
आए क्या चल रहा है आपको बताएंगे आप? नहीं जानते इसके बारे में? चलिए आगे देखते हैं। क्या बाबा बड़े धूप में परेशान हो रहे बाबा, क्या जानते हैं इसके बारे में कुछ बताइएगा? कनी मनी बताएंगे। क्या कुछ बताइए? कनी मनी जो उठते हैं क्या तो थोड़ा दर्द करता है। हाँ। 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 तो सुधार हो जाएगा आप देखिए ना। अच्छा दवाई का सेवन तो आप करते होंगे ना? दवाई का छोड़ दिया, दवाई छोड़ दिया। मलगढ़ का नाम सुन के, सुनिए मलगढ़ का नाम सुन के कि बाबा यहाँ आया तो ये दवाई भी खाना छोड़ दिया। अच्छा, ये कौन जगह है? ये कौन जगह है? जगह है हाट। आप कहाँ से आए हैं? हाट कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ हुआ? नारायणपुर। नारायणपुर से आए हैं? ये कहते हैं दवाई भी हम छोड़ दिए। वाह मैडम, ये सच्चाई है? मनगढ़ के बारे में जानते हैं? नहीं। बोलता है कि मरा हुआ आदमी को जिंदा भी कर देता है। जिंदा भी कर देता है। जिंदा भी कर देता है। क्या बड़े धूप में या ठंडे में मजा ले रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ पे बताइए या कुछ? हमको पता ही नहीं है। कुछ भी नहीं पता है? हाथ में डब्बा लेके बैठे हुए जी। हाथ में डबल डब्बा लेके बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं पता है। आइए बाबा, बाबा भी डब्बा लेके बैठे हुए, बाबा से भी जान लेते हैं। क्या बाबा क्या जानते हैं इसके बारे में? कुछ भी नहीं जानते। हाथ में डब्बा है जी आपके पास? नहीं जानते। अच्छा नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? नाम राम प्रसाद सर। राम प्रसाद, क्या आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? जानते नहीं है लेकिन बोल रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा तो आप कहाँ से आए हैं? हम अम्बा बिजुलिया से। अम्बा बिजुलिया, बताइए पटनिया कितनी दूरी होगी यहाँ से? करीब तक 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से। तो कुछ इसके बारे में आपको नॉलेज हुआ होगा ना, तब मैं आए हैं यहाँ। सब लोगों के मुँह से सुना हुआ है जो यहाँ आने से ठीक हो जाता है, इसीलिए भरोसे पे। अच्छा भरोसे पे आए हैं, क्या क्या जानते हैं आप इसके बारे में? इसके बारे में हम लोग बहुत सोचे, जो जैसे बहुत का पार द्वार होता है, कोई भी काम मनोकामना पूरा होता है। अच्छा। हम लोग 17 किलोमीटर दूर से आए हैं, बसतपुर गांव से आए हैं। बहुत दूर से आप आए हैं, तो इसके बारे में कुछ और जानते होंगे ना कि क्या चल रहा नहीं चल रहा, सबके बारे में बता होगा ना? यहाँ पे जो भीड़ देख रहे होंगे आप लोग लगातार, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या मतलब ये चंदा उछला जा रहा है? क्या झोला में क्या वो खुशी से दे रहा है? खुशी से दे रहा है। अच्छा बोले क्या कि खुशी से उछलने के लिए? क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पैसा कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे उस बच्ची के द्वारा कुछ पैसे कलेक्ट किया जा रहा है।